अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आई एम हिना महजबीन आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ई डी थ्री जीरो टू ह्यूमन डिवेलपमेंट लर्निंग के क्विज नंबर वन का सॉल्यूशन बट क्विज शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स डिफरेंट असाइनमेंट्स एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा ओके okay, जी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन दैट इज़ सोशल ट्रेडिशंस कल्चर बिलीव्स नेशनालिटी एंड अदर इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर आंसर इज़ किस को इन्फ्लुंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को ये सारी चीज़ें करती हैं क्वेश्चन नंबर टू इज़ हाउ मनी टाइप्स ऑफ पर्सनलिटी यूजली एग्जिस्ट यूजली एग्जिस्ट करती है टू टाइप्स की आई थिंक इंट्रो वर्ड था और एक्स्ट्रो वर्ड था ऐसे ही कोई वर्ड था ठीक है टू टाइप्स की पर्सनैलिटी होती हैं यूजली और क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेज ह्यूमन लाइफ स्पैम स्पैम आई थिंक आर एट एट स्टेज हैं क्वेश्चन नंबर फोर इज़ हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड इन्फेंट्स डेमोन्स्ट्रेट सोशल स्माइलिंग इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन फेसिस कब करते हैं कितने मंथ्स में करते हैं ह्यूमन फेसिस uh, को देखकर यानी स्माइलिंग रिएक्ट uh, करते हैं डेमोस्ट्रेट करते हैं आंसर इज़ टू टू मंथ्स इन्फेंट ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फाइव Uh, what is the logical mathematical intelligence it is the ability to understand use numerical patterns mathematical operations reasoning and logic uh, next question number six is uh, what makes a good intelligence test uh, reliability and validity answer is reliability and validity question number seven is uh, what refers to sequential characteristic of biological growth and development answer is uh, maturation ठीक है मेचोरेशन मेच्योर होना जैसे होता है क्वेश्चन नंबर एट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिवेलमेंट सिक्वेंशियली भी आता है कंटिन्यूटी भी आता है जनरल टू स्पेसिफिक भी आता है जो नहीं आता वो रिवर्सिबल है आंसर इज रिवर्सिबल क्वेश्चन नंबर नाइन इज सीमेंट फ्रॉइड psychosexual theory is also called a psychoanalytic theory uh, psychoanalytic theory next question number 10 is what does iq stand for intelligence quotient सो वी हैव कम्प्लीटली टेन एम सी क्यूर्स ऑफ ई डी यू थ्री जीरो टू अगर आपके पास ज़्यादा कलेक्शन है तो काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो सेम आ जाते हैं अदरवाइज़ आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके कोइजेज़ में आ सकते हैं और यही कोइज़ेज़ आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम या फाइनल से पहले हैं तो फाइनल यानी बहुत टाइप ऑफ एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा सो so मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़